आगे की कहानी में जल्द ही आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से प्राची जो की जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रही है। हॉस्पिटल में प्राची का बुरा हाल है, ज़रूरत से ज़्यादा प्राची का खून बह गया है, जिस बात को लेकर प्रज्ञा घबराई हुई है। तो आपको बताएं, अब जल्द ही भगवान प्रज्ञा के सुनने वाले हैं और प्राची को होश आ जाएगा, जहाँ पर होश में आने के साथ ही प्राची को पता चलने वाला है कि ये सब कुछ रिया का ही किया धरा है। जिसके बाद पुलिस पूछताछ करने वाली है प्राची से कि उसके साथ ये सब कुछ किसने किया, तो कहीं ना कहीं प्राची इशारा करेगी रिया की तरफ। वैसे में देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा कि पुलिस क्या रिया को अरेस्ट कर लेगी, क्या प्राची इस बार रिया को माफ़ करेगी या फिर उसके कर्मों की उसे सजा देगी, क्या कुछ होगा आने वाली कहानी में। तमाम खबरें लेकर लौटेंगे हम, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।